सियासत में इन दिनों काफी ज्यादा भूचाल देखने को मिल रहा है। जब से उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की कमान फिसली है, जब से उनके हाथ से कुर्सी गई है, उनके हाथ से पार्टी का सिंबल गया है, ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसे में संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे संजय राउत, इस पर बात जरूर करेंगे। फिलहाल मैं हूं नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप सभी का स्वागत है आज की इस बड़ी खबर में, और बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र से कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सियासत से कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था संजय राउत की। संजय राउत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, बिना नाम लिए हुए कहा है कि वक्त वक्त की बात होती है, वक्त आज उनका चल रहा है, कल हमारा रहेगा। और उन्होंने कहा, हमेशा समय का पहिया एक जैसा नहीं रहता। क्यों इन दिनों संजय राउत लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं या क्यों निशाना साध रहे हैं, मैं खबर के जरिए बताता हूं। सत्ता आती और जाती है, समय का चक्रव्यूह बदलता है, कदम की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत। जी हाँ, देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव गुट को एक और बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सदानंद कदम को गिरफ्तार कर लिया। इस पर अब संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रैली को सफल बनाने के लिए कदम ने काफी मेहनत की थी, लेकिन ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि किरीट सोमैया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। दरअसल मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि इन दिनों ईडी, NCB, CBI तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, वो विपक्षी पार्टी के नेताओं को बहुत चतुराई से पकड़ रही हैं, विपक्षी पार्टी के नेताओं की धर पकड़ जा रही है, उनके घरों पर, दफ्तरों पर, तमाम जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। चाहे मैं बात कर लूँ मनीष सिसोदिया की, चाहे लालू प्रसाद यादव के परिवार की बात कर लूँ, संजय राउत की बात कर लूँ, उद्धव ठाकरे की बात कर लूँ, हम देख रहे हैं कि और भी कई बड़े विपक्षी पार्टी के नेता, देखिए राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर, संसद की जो सदस्यता है, संसद में सदस्यता तो उसको रद्द करने की बात की जा रही है। तो इन दिनों विपक्ष पर जिस तरीके से मेहरबान हो रही है ईडी, NCB, CBI, ये सब केंद्र सरकार की देन है। और विपक्षी पार्टियां ये साफ तौर पर कह रही हैं कि अब जिस तरीके का काम हो रहा है सरकारी एजेंसियों के द्वारा, ये साफ तौर पर बताता है कि ये लोग कठपुतली हैं, सरकार के आदेश पर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा, मोदी शाह को घेरा है, संजय राउत काफी ज्यादा केंद्र सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि एक बात को हमेशा ध्यान रखा जाए कि वक्त जिस तरीके से बदलता है, और अगर वक्त जब बदलता है तो अच्छे अच्छे नेताओं की सत्ता चली जाती है। उनका ये भी कहना है कि भाई अगर वक्त हमारा खराब चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि आगे भी खराब चलेगा, आगे बेहतर हो सकता है। और फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि राउत जो है वो केंद्र सरकार पर हमला बर हैं, और लेकिन राउत ने कहा कि उनकी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और वो आने वाले वक्त में जरूर जीतेंगे, उद्धव ठाकरे जरूर जीतेंगे। आज के लिए तहीं, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए, नमस्कार।